अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे मक्का मुकर्रमा की एक औरत जिसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। मक्का मुकर्रमा में एक औरत थी, उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी, आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फरीफ्ता थी कि मैं बहुत हूर परी हूँ। खावंद को जब देखा तो उसने बड़े नाज नखरे से बात की, कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना न करे। तो खावन ने कहा, हाँ है उबैद बिन उमैर, ये मस्जिद नबवी में मदरस और खतीब थे। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी, तू दे मुझे इजाज़त, मैं तुझे दिखाती हूँ वो फिसलता कैसे है। उसने कहा, ठीक है मैं इजाज़त देता हूँ। औरत को इजाज़त मिल गई और वो निकली, फिर मस्जिद के दरवाज़े पर आकर खड़ी हो गई। अब जब मौलाना अबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले, तो औरत ने पहले इस तरीके से बात कही जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो, तो मौलाना खड़े हो गए। इस दौरान उसने अपने चेहरे से नकाब को हटा दिया। उसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हुस्न व जमाल को देखेंगे तो फरेफ्ता हो जाएंगे। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उन्होंने नज़र हटा दी और कहा, देखो क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी और आखरत में भी जिल्लत मिलेगी। अब ये अल्फाज उनके मुंह से इतने दर्द से निकले, वो शर्मा गई और वापस आ गई। शौहर ने पूछा, क्या बना? कहने लगी, क्या मर्द ही नेक होते हैं, औरतें नहीं हो सकती, मैं भी नेक बनूंगी। उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद रोज़ वो खामा से पूछती इशा के वक़्त कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, अगर कहता हाँ तो वो वक़्त खामन के साथ गुजारती, अगर वो कहता नहीं तो वो जब्बा पहन लेती और सारी रात मसल्ले पर इबादत करती। उसका खावंद कहा करता था, पता नहीं उबैद बिन उमैर ने एक फिक्रा बोल के मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। शिकार करने को आए, शिकार होके चले। तो ये कैफियतें उनकी इसलिए थीं कि परवरदिगार आलम ने उनको दिलों में एक असर डाला हुआ था, ईमान कामल उनके दिलों में था। और ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों का ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।